सीएससी से हम पैन कार्ड कैसे बनाते हैं और पैन कार्ड का फॉर्म हम कैसे भरते हैं और हमें जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होती है जैसे कि आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर, इनका साइज क्या रहता है, कैसे अपलोड करना होती है, तो ए टू जेड इन्फॉर्मेशन मैंने आपके जो इस वीडियो में दी है। इस वीडियो को आप पूरा देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो पैन कार्ड के लिए और किसी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। एक ही वीडियो मैंने आपके जो है सारी इन्फॉर्मेशन दी है जिससे कि आप बहुत ही आसानी से सीएससी यूटीआई से पैन कार्ड बना सकते हैं। सीएससी से पैन कार्ड बनाने के लिए आपके लिए जो है डिजिटल सेवा पोर्टल को लॉगिन कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं जो है लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर अब आपके लिए अपने आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने जो है लॉगिन पर क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो है डिजिटल सेवा पोर्टल लॉगिन हो चुका है। यहाँ पर मैंने आईडी पासवर्ड जो है पहले से ही सेट कर रखे हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके जो है अब क्या करना है। यहाँ पर आपके लिए ऊपर यहाँ पर ये तीन लाइन है, यहाँ पर सर्च बार दिखेगा, यहाँ पर आपके सर्च सर्विस पर क्लिक कर देना है इस पर। और यहाँ पर आपके लिए टाइप करना है PAN और इसके बाद आपके लिए इंटर कर देना है। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके लिए जो है तीसरे नंबर पर यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, पैन कार्ड EKYC सर्विस UTI। यहाँ पर आपके लिए जो है क्लिक हेयर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने जो है इस तरह का पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर आपके लिए रियली यूजर क्लिक हेयर, यहाँ पर आपके लिए क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने जो है सीएससी का जो है डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। मतलब कि आप जो है सीएससी से यूटीआई की वेबसाइट में लॉग इन कर लेंगे। अब यहाँ पर आपके लिए जो है आपकी सीएससी आईडी दिखाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं वेलकम। और अब आपके लिए जो है न्यू पैन कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर ये लिखा है अप्लाई न्यू पैन। यहाँ पर जब आप माउस लाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे एप्लीकेशन फॉर न्यू पैन 49A, इस पर आप क्लिक कर देना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने जो पैन कार्ड का जो फॉर्म है वो ओपन हो रहा है। अब यहाँ पर आपने जो ओके पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे ऊपर हमें ऑप्शन देखने को मिलता है फिजिकल मोड, यहाँ पर एक और ऑप्शन आता है डिजिटल मोड का, तो अभी इसमें आया नहीं है। तो यहाँ पर आपके दोनों ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर जो है फिलहाल में यही ऑप्शन है हमारे पास फिजिकल मोड का, तो हम इसी को सिलेक्ट रहने देंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें जो सबसे पहले सिलेक्ट स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, तो यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए हम इंडिविजुअल का बना रहे हैं तो यहाँ से हम इंडिविजुअल सिलेक्ट करेंगे, या फिर आप जो है किसी गवर्नमेंट या फिर किसी फर्म को बना रहे हैं तो यहाँ से आप जो सिलेक्ट कर सकते हैं। आप जिस भी व्यक्ति का बनाए यहाँ से आपके लिए जो सिलेक्ट कर लेना है। वेदर यू आर फ्रॉम डिफरेंस NRI कैटेगरी, तो यहाँ पर हम जो है नो को सिलेक्ट करेंगे। आप अपने केस में जो है आपके हिसाब से कर सकते हैं, अगर आप NRI कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आप यस कीजिए या फिर नो कीजिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे सामने जो दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, बोथ फिजिकल पैन कार्ड एंड ई पैन कार्ड, और दूसरा ऑप्शन है ई पैन कार्ड ओनली, नो फिजिकल पैन कार्ड विल बी डिस्पैच। तो जैसे कि अगर आप पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो इसमें क्या होगा कि आपका जो पैन कार्ड है वो आपके जो आप एड्रेस डालेंगे पोस्ट में, उस एड्रेस पर जो है बाय पोस्ट सेंड कर दिया जाएगा फिजिकल पैन कार्ड, और डिजिटल पैन कार्ड आपके जो ईमेल आईडी पर सेंड कर दिया जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे दूसरे ऑप्शन को, तो इसमें आपके जो है केवल डिजिटल पैन कार्ड ही मिलेगा, फिजिकल पैन कार्ड नहीं मिलेगा। तो इसमें आपकी ईमेल आईडी पर ही पैन कार्ड सेंड किया जाएगा, आपके एड्रेस पर सेंड नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर हमें जो है हमारे एड्रेस पर जो है पोस्ट एड्रेस पर भी चाहिए और हमें जो है ईमेल आईडी पर भी चाहिए। तो यहाँ पर हम दोनों को पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ सबमिट पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने जो है सबसे पहले जो है पर्सनल डिटेल्स का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर आपके लिए सबसे पहले पर्सनल डिटेल फिल करना है। तो यहाँ से हम जो है ओके पर क्लिक करेंगे, यहाँ ओके पर मैं क्लिक करूंगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्सनल डिटेल्स में यहाँ पर जो है सबसे पहले आपका जो है नाम फिल करने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पर आपके लिए नाइन टाइटल में आपके लिए सिलेक्ट करना है कुमारी, श्री, श्रीमती, तो यहाँ पर हम जो है श्री सिलेक्ट करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर हम जो है लास्ट नेम डालेंगे, यहाँ पर मैंने जो लास्ट नेम सिलेक्ट किया। और इसके बाद यहाँ पर आपके लिए जो फर्स्ट नेम डालना है, तो यहाँ पर मैं जो फर्स्ट नेम डालूंगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो लास्ट नेम और जो फर्स्ट नेम डाल दिया है। अगर किसी का जो है मिडिल नेम भी है तो यहाँ पर आप जो है मिडिल नेम डाल दीजिए। जैसे कि यहाँ पर जो है अभी मैंने जो है राजू अहिरवार डाला है। अगर जैसे कि मान लीजिए किसी का नाम है राजू कुमार अहिरवार, तो यहाँ पर आप जो है मिडिल नेम में कुमार डालेंगे, इस तरह से आप जो है नाम डालेंगे। क्या आपको जो है और अदर नामों से जाना जाता है, तो यहाँ पर आप जो है यस नो सिलेक्ट करेंगे।
अब यहाँ पर आपको जो डेट ऑफ बर्थ डालना है तो यहाँ पर आप जो डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। अब यहाँ पर आपके लिए जो है एड्रेस ऑफ एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, तो यहाँ पर आपके लिए जो है ऑफिस या फिर रेजिडेंस सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए अगर आपका ऑफिस है तो आप ऑफिस सेलेक्ट कीजिए, या फिर आप जो किसी अदर जगह पर रहते हैं तो यहाँ पर आप जो रेजिडेंस को सिलेक्ट कीजिए। और इसके बाद यहाँ पर आपके जो स्टेट सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर मैं जो स्टेट को सिलेक्ट करता हूँ। और यहाँ पर ये ऑफिस स्टेट, यहाँ पर आप आपके लिए ये सिलेक्ट नहीं करना है। अगर आप यहाँ पर जो ऑफिस को सिलेक्ट करेंगे यहाँ, तो आपके लिए जो ऑफिस स्टेट को भी सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमने जो है रेजिडेंस को सिलेक्ट किया, तो हमने जो है रेजिडेंस स्टेट को सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर आपके लिए जो है आधार कार्ड नंबर डालना है, तो यहाँ पर मैं जो आधार कार्ड नंबर डालता हूँ। और इसके बाद यहाँ पर आप जो है किसी भी खाली जगह पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे जो है री इंटर आधार नंबर, तो यहाँ पर आप जो है आधार नंबर री इंटर कर देना है, दोबारा आधार नंबर डाल देना है। और इसके बाद आप जो है ओके पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आधार कार्ड में जो भी नाम है वो नाम आप जो है यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो नाम डाल दिया है। और इसके बाद यहाँ पर ये लिखा है नेक्स्ट स्टेप, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके जो है सिलेक्ट करना है, जैसे कि मान लीजिए आप आइडेंटिटी प्रूफ में क्या देना चाहते हैं, तो जैसे कि यहाँ पर आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर जो है आप जो भी देना चाहें वो दे सकते हैं, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आप जो भी देना चाहें वो दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो है आधार कार्ड को सिलेक्ट करेंगे आइडेंटिटी प्रूफ में। और यहाँ पर अब आपको एड्रेस प्रूफ में सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर भी आपके जो बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर हम जो है आधार कार्ड को भी सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर भी। और इसके बाद डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पर भी हम जो आधार कार्ड को ही सिलेक्ट करेंगे। आप चाहें तो किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम जो है आधार कार्ड को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप जो भी डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करेंगे वह सेम डॉक्यूमेंट्स आपके लिए अपलोड भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम जो तीनों की जगह पर हम जो आधार कार्ड को अपलोड कर देंगे। यहाँ अब आपको जो मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो मेक पेमेंट पर क्लिक किया, तो यहाँ पर ही हमें जो है सीएससी वॉलेट पर हमें जो है रिडायरेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर हम जो है हमारी आईडी का पासवर्ड डालेंगे, और इसके बाद आपके लिए वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके लिए जो है वॉलेट पिन डाल देना है, और इसके बाद आपके लिए जो है यहाँ पर ये लिखा है पे, इस पर आप क्लिक कर देना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पेमेंट जो है सक्सेस हो चुका है। अब यहाँ पर ये आपके लिए जो है ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट कर देगा, यहाँ पर आपके लिए पेज को रिफ्रेश नहीं करना है, बैक नहीं होना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार मैच यूजिंग डेमोग्राफी डिटेल्स विल बी लिंक विथ पैन, यहाँ ओके पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आपके लिए जो है टेलीफोन ISD कोड, तो यहाँ पर आपके लिए जो है इंडिया सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर आपके लिए STD कोड सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर आपके लिए टेलीफोन नंबर, तो यहाँ पर आपके लिए कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल देना है। और यहाँ ईमेल आईडी में आपके लिए जो है अपनी ईमेल आईडी को डाल देना है, जिससे कि जैसे कि मान लीजिए आपने अपनी ईमेल आईडी डाल दी, तो आपका जो पैन कार्ड है वो पैन कार्ड आपके ही ईमेल आईडी पर आ जाएगा, और जो कस्टमर को है आप निकाल के दे सकते हैं अपनी ईमेल आईडी से। अब यहाँ पर आप प्लीज है फादर नेम डालना है नीचे, तो यहाँ पर हम जो है यहाँ पर आपके लिए जो है सबसे पहले डालना है क्या लास्ट नेम या फिर सन नेम, तो यहाँ पर हम डालेंगे लास्ट नेम LAL, और यहाँ पर हम डालेंगे फर्स्ट नेम। और यहाँ पर आपके लिए जो है अपना मदर नेम अगर आपके लिए पैन कार्ड पर चाहिए तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। हम इसे जो है नहीं डालेंगे, हमें जो है फादर का नेम चाहिए पैन कार्ड पर। और यहाँ सिलेक्ट टाइप, यहाँ से हम जो सिलेक्ट करेंगे फादर नेम, यहाँ पर आप देख सकते हैं फादर नेम यहाँ पर सिलेक्ट। अब यहाँ पर आपके लिए क्या करना है, ये है नेक्स्ट स्टेप, इस पर आपके लिए क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके लिए जो है एड्रेस डिटेल्स डालना है, तो यहाँ पर आप जो है एड्रेस डिटेल भर दीजिए, अपने जो भी एड्रेस आपके लिए डालना है वो एड्रेस डाल दीजिए यहाँ से। आप
एड्रेस डालने के बाद आपके लिए जो नीचे जाना है और यहाँ पर आपके लिए जो है सोर्स ऑफ इनकम को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी इनकम है वो। और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है नेक्स्ट स्टेप, इस पर आपके जो है क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है एओ कोड डिटेल्स, तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। और इसके बाद यहाँ पर आपके लिए जो है नीचे आना है और यहाँ पर आपके जो है हिमसेल्फ हेयर सेल्फ सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद आपके लिए नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके जो वेरिफिकेशन प्लेस भी सिलेक्ट कर लेना है, डाल देना है यहाँ पर जो है मैनुअली डालना है और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके लिए जो है ये पहले से ही सिलेक्ट की गई, क्योंकि हमने पहले ही सिलेक्ट कर ली थी आधार कार्ड की कॉपी। और इसके बाद आपके जो सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो है सबमिट पर क्लिक किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब हमारे सामने जो है सबसे पहले तो ये जो पेमेंट स्लिप आती है यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस पेमेंट स्लिप को आपके लिए जो है प्रिंट पर क्लिक कीजिए आप इसको, या फिर कंट्रोल पी कीजिए और इसे आप जो है अपने सिस्टम में सेव कर लीजिए, या फिर जो है कस्टमर को आप प्रिंट कर भी दे सकते हैं। तो इसे जो है मैं फिलहाल में अभी सेव कर लेता हूँ पीडीएफ में, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे जो है सेव कर लिया है। और इसके बाद यहाँ से मैं इसे जो है क्लोज करूँगा। अब यहाँ पर ये ऑप्शन आता है आपके जो है डाउनलोड पीडीएफ फॉर्म, इस पर आपके लिए क्लिक करना है और यहाँ पर आप जो ओके पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैं जो इसे जो है सेव फाइल पर क्लिक करूँगा और यहाँ ओके पर क्लिक करूँगा। अब ये जो फॉर्म है हमारे पास जो है डाउनलोड हो चुका है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं इसे आपके लिए जो ओपन कर भी दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर जो है मैं डाउनलोड पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ इस फॉर्म को आपके लिए जो ओपन कर दिखाता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो फॉर्म है आपके सामने जो डाउनलोड हो जाता है। तो यहाँ पर आपके लिए जो फोटो लगाना है और यहाँ पर भी फोटो लगाना है, यहाँ पर आपके लिए जो है सिग्नेचर करवाना है कस्टमर से, और यहाँ इस फोटो पर आपके लिए क्या करना है कि अपने जो है कस्टमर के सिग्नेचर करवाना है आधे फोटो पर और आधे जो है इस फॉर्म पर यहाँ पर। और इसके बाद आपके लिए जो है नीचे आना है और यहाँ पर आपके लिए जो है कस्टमर के सिग्नेचर करवाना है यहाँ पर इस बॉक्स में। तो इस तरह से आपके लिए जो है इस फॉर्म को जो है और कुछ भी नहीं करना है, आपके जो सिग्नेचर करवाना है और इसके बाद आपके लिए जो है इस फॉर्म को जो है आपके लिए स्कैन करना है। तो यहाँ पर आपके जो फोटो है ये सारी जानकारी ये सिग्नेचर करवाने के बाद आपके लिए इस फॉर्म को जो है स्कैन करना है। तो पहले आप इस फॉर्म को जो है प्रिंट कर लीजिए और प्रिंट करने के बाद यहाँ पर फोटो लगाइए और यहाँ पर दो सिग्नेचर यहाँ पर और एक सिग्नेचर आप जो है नीचे करवाइए। ये दो पेज हैं तो यहाँ पर एक सिग्नेचर जो है इस पेज पर करवाइए। और इसके बाद आपके लिए क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अब हम यहाँ से जो है इसे क्लोज करते हैं, जैसे कि हमने इसे जो है क्लोज किया या फिर हम इसे जो है यहाँ से क्लोज कर देते हैं। और अब यहाँ पर हम जो है अप्लाई न्यू पेन में यहाँ पर आपके लिए ये ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट सेक्शन में अपलोड डॉक्यूमेंट्स, इस पर आपके लिए क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने जो भी पैन कार्ड बनाया था उसका जो है यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर और नाम फादर नेम यहाँ पर ये ऑप्शन आपके लिए देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर आपके लिए क्या करना है कि जो हमारा जो फॉर्म है ये जो हमारा पैन कार्ड का फॉर्म है ये वाला, इस फॉर्म को आपके लिए जो स्कैन करके और इसके साथ आपके लिए जो आधार कार्ड लगा देना है, तो दो पेज ये और एक आधार कार्ड, ये तीन पेज आपके लिए जो है स्कैन कर लेना है और इसकी एक जो पीडीएफ फाइल बना लेना है। तो वो भी मैं आपके लिए दिखाने वाला हूँ कैसे बनाना है आपके लिए। और जो फोटो है वो आपके लिए जो है 213x213 पिक्सल में जो है 30 KB के अंदर होना चाहिए और जो हमारे सिग्नेचर आपके लिए जो है 600 DPI में ब्लैक एंड व्हाइट और 60 KB के अंदर होना चाहिए। तो अब हम जो है इस फॉर्म को कंप्लीट करते हैं और इसके बाद हम जो है फोटो स्कैन कैसे करेंगे या फिर हम जो सिग्नेचर स्कैन कैसे करेंगे, तो
तो वो प्रोसेस मैं अब आपको जो है दिखा देता हूँ। पैन कार्ड के लिए जो हम फोटो सिग्नेचर और जो फॉर्म रहता है वो तैयार करने के लिए हम जो फोटोशॉप को ओपन करेंगे, और फोटोशॉप को ओपन करने के बाद यहाँ इम्पोर्ट लिखा है इसमें आपके लिए जो है यहाँ पर आपका जो भी प्रिंटर है उस प्रिंटर को सिलेक्ट कीजिए, और इसके बाद यहाँ पर आप जो है एडजस्ट क्वालिटी पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप जो 300 कीजिए, और अब आपके लिए जो उस फॉर्म को स्कैन करना है जो हमने प्रिंट किया था जिस पर हमने फोटो लगाए थे और उस पर जो सिग्नेचर किए थे। तो यहाँ हम स्कैन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो फॉर्म है वो स्कैन हो रहा है, हम इसे स्कैन होने देते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो फॉर्म है वो स्कैन हो चुका है। अब यहाँ पर आपके लिए क्या करना है कि यहाँ पर ये फाइल है इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ सेव पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर ये लिखा है जेपीजी, ये फॉर्मेट आपके लिए सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद आपके लिए सेव पर क्लिक कर लेना है, और इसके बाद यहाँ पर आप जो इसे मीडियम कर दीजिए, ओके पर क्लिक कीजिए, और अब आपके लिए जो है फॉर्म का सेकंड पेज इसी तरह से स्कैन करना है। तो यहाँ पर मैं जो है सेकंड पेज को स्कैन करता हूँ, यहाँ पर 300 रखना है आपके लिए रेजोल्यूशन, ओके पर क्लिक कीजिए और यहाँ स्कैन पर क्लिक कीजिए। सेकंड पेज भी हमारा जो है स्कैन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर इसे हम जो है सेव कर लेते हैं, और इसके बाद हमें जो आधार कार्ड और स्कैन करना है, तो यहाँ मैं इसे जो है सेव करता हूँ, यहाँ सेव पर क्लिक करूंगा, यहाँ से हम इसका जो है नाम चेंज कर देते हैं, F2 कर देते हैं हम इसे, और यहाँ सेव पर क्लिक करेंगे, यहाँ मीडियम रहने देंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। अब हम जो इसी तरह से आधार कार्ड को भी स्कैन करते हैं, यहाँ पर हम इसे भी जो है सेव कर लेते हैं, यहाँ हम F3 दे देते हैं इसका नाम, ओके पर क्लिक करेंगे। अब हमारे जो है तीन जो पेज हैं वो स्कैन हो चुके हैं, जैसे कि हमारा फॉर्म का जो है फर्स्ट पेज, सेकंड पेज और आधार कार्ड। अब आपके लिए क्या करना है, सिग्नेचर और आपके लिए फोटो और तैयार करना है। तो सिग्नेचर और फोटो तैयार आपके लिए कैसे करना है वो प्रोसेस मैं आपके लिए दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम जो फोटो को कंप्लीट करते हैं, तो यहाँ से हम जो आधार कार्ड को क्लोज कर देते हैं। अब हमने जो फॉर्म स्कैन किया था इसमें से आपके लिए जो फोटो को क्रॉप कर लेना है, तो यहाँ पर जो है मैं जो है फोटो को क्रॉप कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपके लिए जो इमेज में जाना है, और यहाँ पर इमेज साइज पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं यहाँ ये रेजोल्यूशन लिखा है 600, यहाँ पर आपके लिए जो 300 कर देना है, जैसे कि यहाँ पर मैं 300 करता हूँ, और इसके बाद यहाँ विड्थ में और हाइट में आपके लिए जो 213 कर देना है, और यहाँ पर भी हम जो 213 कर देते हैं, और इसके बाद ओके पर क्लिक कीजिए, तो आपका जो फोटो है वो जो है परफेक्ट साइज में जो है बन जाएगा। अब आप इस फोटो को जो है सेव कर लीजिए, यहाँ पर मैं फाइल में जाऊंगा, यहाँ सेव में जाऊंगा, और यहाँ पर हम इसे फोटो के नाम से इसे सेव कर लेते हैं, फोटो वन के नाम से, और इसके बाद आपके लिए सेव कर देना है। अब आपके लिए क्या करना है कि अब आपके लिए सिग्नेचर और तैयार करना है, तो हम जो है सिग्नेचर तैयार करते हैं। अब सिग्नेचर आप चाहें तो जो है आधार कार्ड से भी ले सकते हैं, जो आधार कार्ड पे हैं, और या फिर आप जो है जैसे कि हमने सिग्नेचर फॉर्म पर भी किए हैं, तो हम आप फॉर्म पर से भी ले सकते हैं। तो यहाँ हम सिग्नेचर क्रॉप करेंगे यहाँ से, यहाँ पर ये सिग्नेचर थोड़े जो है इस तरह से हैं, तो यहाँ पर मैं जो इसे क्रॉप किया मैंने। अब यहाँ पर आपके लिए क्या करना है, कंट्रोल एम प्रेस करना है, और इसके बाद यहाँ पर आपके लिए जो इसे थोड़ा डार्क कर देना है इस तरह से, यहाँ कैंसिल, कंट्रोल एम, ओके पर क्लिक कीजिए। तो आपके लिए यहाँ पर इमेज में जाना है, और यहाँ पर इमेज साइज पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर आपके लिए जो है विड्थ में डालना है 444 444, और हाइट में आपके लिए डाल देना है 205 205,
और रेजोल्यूशन में आपने जो है 600 करना है। इसके बाद आप ओके पर क्लिक कीजिए और यहाँ फाइल में जाइए, यहाँ सेव पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप जो है सिग्नेचर का नाम दीजिए और इसके बाद सेव पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ ओके पर क्लिक कीजिए। तो जैसे कि मान लीजिए हमने इसे सेव कर दिया सिग्नेचर को, अब यहाँ से हम जो है हम देखते हैं कि इसका जो साइज है वो क्या है। तो यहाँ पर मैं अब आपके लिए जो सिग्नेचर का साइज दिखाता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे 60 KB का है और हमें चाहिए यहाँ पर कितना 60 KB और जो हमारा सिग्नेचर है वो 60.8 KB का है। तो इसका जो साइज है वो कम करने के लिए आपके लिए क्या करना है, फाइल में जाइए, यहाँ पर आपके लिए हम सेवस पर क्लिक करेंगे। हम इसे जो एक बार पहले से सेव कर चुके हैं, यहाँ पर हम सेव पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये जो क्वालिटी है ये आपके लिए कम कर देना है, जैसे कि हमने 8 कर दिया। ओके पर क्लिक करेंगे, अब हम इसका जो साइज चेक करेंगे, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 30.31 KB का हो चुका है। तो इसी तरह से आपके लिए 50 KB के अंदर रखना है। अगर इसी तरह से आपका जो फोटो का साइज है वो भी ज्यादा है तो आप वो जो है उसे भी कम कर सकते हैं, सेम प्रोसेस है। अब आपके लिए क्या करना है कि जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके लिए टाइप करना है आई लव PDF और इसके बाद आपके लिए JPG टू PDF कन्वर्ट लिखना है। इसके बाद यहाँ पर अगर आपके लिए जो नहीं मिले तो यहाँ पर ये ऑल PDF टूल है, यहाँ पर आप जो है ये देख सकते हैं, आप JPG टू PDF का ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। जो हमने फर्स्ट पेज सेकंड पेज और जो आधार कार्ड हमने स्कैन किया था उसकी हमें जो है PDF फाइल बनाना है। तो यहाँ पर आप जो है तीनों को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ ओपन पर क्लिक कीजिए और अब यहाँ पर आपके लिए जो पहले इसे अगर आप जैसे कि अगर फॉर्म आपका जो है आगे पीछे हो तो आप जो इस तरह से उठाइए और जहाँ और आप इसे जो है नंबरिंग से जमा दीजिए और इसके बाद आप जो है कन्वर्ट टू PDF पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो है PDF जो है बन रही है, तो हम इसे जो है बनने देते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अब आपके सामने जो है डाउनलोड का ऑप्शन आ गया। आप चाहें तो यहाँ पर क्लिक करें या फिर न करें, आपकी जो PDF फाइल है वो ऑटोमेटिकली जो है डाउनलोड हो जाएगी। अब यहाँ पर आपके लिए क्या करना है, अपलोड लिखा है इस पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपके लिए जो पैन फॉर्म, तो यहाँ पर आपके लिए सबसे पहले हमने जो पैन कार्ड की PDF फाइल बनाई थी जो फॉर्म की, वो आपके लिए जो है यहाँ पर अपलोड करना है। तो यहाँ पर हमारी जो PDF फाइल है उसे हम सिलेक्ट करते हैं, यहाँ मैंने PDF फाइल को सिलेक्ट किया, ओपन पर क्लिक किया, यहाँ पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे हम फोटो को, तो यहाँ से मैं जो फोटो को सिलेक्ट करूंगा ये फोटो। अब यहाँ पर जो सिग्नेचर को मैं सिलेक्ट करूंगा, यहाँ सिग्नेचर को मैंने जो सिलेक्ट किया, यहाँ ओपन पर क्लिक किया और यहाँ अब हम जो है अपलोड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो जैसे ही अपलोड पर क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सर्चिंग चालू हो चुकी है और हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड हो रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड फॉर एप्लीकेशन नंबर, तो यहाँ पर हमने जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स थे जैसे कि पैन कार्ड का जो PDF फॉर्म था वो और जो हमारा सिग्नेचर और फोटो, ये जो है सारा डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर जाएंगे अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब आपके जो यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन